रात जो है ना वो ईंटें आई हैं, अभी मैं देखने आया था क्या सूरत हाल है। ये अवला ईंट नहीं मंगवाई मैंने, ये 2 मिनट मैंने मंगवाई है, ये है ची रोड़ी के लिए, इसकी करवानी है रोड़ी, तो उसके लिए जो है ना ये ईंट मैंने मंगवाई थी। ठीक है, इतनी ये ख़राब ईंट नहीं है, बेहतरीन ईंट है ये भी। यहाँ अवर भी ऐसे ही देते हैं, दोम भी वैसी ही है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं मुझे लगा ना। ये चीज चेक करें, ये रोड़ी बनी पड़ी है। ये लें जी, ये प्लॉट जो है ना हमारा हो गया फाइनल, फाइनल फाइनल फाइनली। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे थे मुझे जी आपका घर जो है ना वो ज़मीन में धंसा हुआ है, आप देखिए ये ज़मीन में धंसा हुआ नज़र आता है आपको, ये जब पेंट हो जाएगा सारा आपको तब आपको सही नज़र आएगा। 10 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है, ठीक है, और 6 फीट से ज़्यादा इसकी ये दीवारों की हाइट है। तो आप कैसे कहते हैं जी ये धंसा हुआ है ज़मीन में, मुझे समझ नहीं आती। अब हाइट जो है ना स्टैंडर्ड साइज़ का है, जो साइज़ होता है ना हाइट इसकी मकानों की, वो 10 फीट से 12 फीट के दरमियान में होती है। तो आप लोग कहते हैं पता नहीं भाई ये छोटे हैं, छोटे, मुझे समझ नहीं आती कैसे आप कह देते हैं भाई ये छोटे हैं। अभी ये चीज़ चेक करें, वो घर इससे भी ज़्यादा ऊंची जगह पे है, और ये आप चेक करें, ये चीज़ चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लॉट बन चुका है। वो इंशाल्लाह इस जगह के साथ जो है ना मिट्टी डालनी है वहाँ से निकाल के यहाँ, और इसके अलावा जो है ना फिर प्लास्टर का काम भी शुरू हो जाएगा, और रोड़ी का जो है ना वो काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बताया था कुछ थोड़े बहुत इश्यू हैं, इस वजह से जो है ना मिस्त्री भाई नहीं आ रहे। असल में वो कहते हैं जी प्लस्तर पहले करना है इन दीवारों को, मैं कहता हूँ ये रोड़ी कटवाएं, रोड़ी डाल के इधर फर्श डाल के फिर करना है, ताकि मसाला वगैरह भी नहीं ख़राब होता और बेहतरीन काम होता है। पाजवे केड़ा बेहतर रहा काम, पहले कच्चा करवाना चाहिए यहाँ के दीवारा। मैं उन्होंने कहा, मैं कह यार कि आ दीवारा किटियाँ असी प्लस्तर कीतियाँ, मैं मेरा सीमेंट बहुत ख़राब होंगे। हाँ जी, सीमेंट की जो जड़े असी बना बिछाते हैं ना सीमेंट के गट्टू, वो गट्टू बिछाने की जरूरत नहीं, वो एवें ही वो पता क्यों करते हैं, भी इतने असी पानी मारना ना तराई करनी तो साढ़े पैर खराब होने। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं पहले करो, अबू जी नहीं मानते, अबू जी कहते नहीं पहले कच्चा करो, उदन तुम वो मिट्टी डाल के गए वो देखो सामने, ठीक है ना। अबू जी कहते असी कंप्यूटर कराता बाद जी कितों असी मिट्टी चुकवानी है, ठीक है ना, उन्होंने कहो पहले कच्चा करो। अबू जी कहते ऐसे तो मानते नहीं, अबू जी कहते नाले ना यार उस घर से समान बहुत है, इधर शिफ्ट करना कोई मेहमान भी ज्यादा आ जाता कोई सौ खुशी गमी, तो अबू जी कहते हैं कि पहले इन्हों करवाओ, पहला यदा नीचे काम यदा फाइनल करवाओ नीचे काम। हाँ जी हाँ जी, मसाला बच जाएगा, मैं भी यह कह रहा ना थोड़ा मसाले वास्ते आ चीज़ लाने की जरूरत नहीं, जिथे दिल करे ला लो, इधर ला लो उधर ला लो, तो हाँ चलो मैं यही कह रहा, मैं मशीन मिल जानी है सुबह सुबह, तो इंशाल्लाह आएंगे सारे, तो टेंशन ना ले। ये वाली रोड़ी जो है ना वो थोड़ी बनाई है उन्होंने, 2-3 दिन हो गए वो नहीं आए, आज मजदूर को लगाया था, और ये ईंटें वगैरह ये सारी इधर जो जिसकी रोड़ी बनानी है वो जो है ना करवा रहे हैं, सुबह इलेक्ट्रिशियन भाई भी आ जाएगा ये वाली। अच्छा जी, ये मैंने काम करवाया उन भाई से, पहले हमारी प्लानिंग ये थी कि इधर भी एक लाइट दी जाए इधर भी एक लाइट दी जाए, दरमियान में जो है ना हम लोग लगाएं शीशा। अब जो है ना हमने ये किया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यहाँ भी एक लाइट दें यहाँ भी एक लाइट दें, और इस जगह पे दरमियान में जो है ना एक फैंसी लाइट हम लोग लगवाएंगे, खूबसूरत लगेगी, वो आउटडोर लाइट होती है, वो बहुत खूबसूरत माहौल बनती है। इधर कुछ नहीं देना, सिर्फ फ्रंट पे हम लोग लाइटें लगा रहे हैं बस, इधर कुछ नहीं करना। अच्छा जी, कच्चा हो जाएगा ना उसका एक और भी फ़ायदा है, उसका फ़ायदा यह है कि जैसे ये टाइल जो है ना ये ख़राब हो रही है, स्कर्टिंग हमारी ये भी अंदर चली जाएगी। ये भूख आज घर वालों ने कुछ बनाया, लेकिन हाँ जी मैंने मोइज़ और हिबा हम रहते हैं खाने वाले रोटियाँ, तो सिर्फ ये लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा मैं कल मना किया लिपस्टिक नहीं लगानी, भाभी आसिया इन्हू डांटना वा जे इन्हें लिपस्टिक द्वारा लगाई था।
फोन में कितनी दफा क्या लिपस्टिक नहीं लगानी, मैं थोड़ा कल सख्ती ना मना किया सी। सारे देखने वाले बहन भाई भी कहते कि भाई ना लिपस्टिक ना लगा दिया करो। हाँ सही नहीं है बाबा से। हाँ जी मैं क्या बहुत बंदा ना औलाद औलाद दे हथो मुझे। ना मजबूर हो जाता है। हाँ जी ताकि मोई साहब ने क्या कि मैं ना कल्ला सादा अंडा मैं ट्राई कर चम्मच भी लेके आ टोकरी चो। चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ जाओ लेके आओ हूँ। आ उस टोकरी चो एक चो नहीं मोईज ने सादा अंडा खाना वा कल्ला जी फ्राई करके। ते हिबा बेटी कहंदी है कि मैनू प्याज आलू हरी मिर्च पा के बना के दो ते पहले मोईज दा बनूंगा फिर हिबा दा। मैं तो हिबा एक तरह के हो जाएंगे। हाँ। मैं भी रोटी खानी है। आज बने सी पाए बनाए सी। हाँ पाए बनाए हैं। पाए बनाए सी बाकी सारे ने खा लिया सी। तीन बंदे जड़ा ना कोई रलदे मिलदे हो गए अपने घर चो। असी पाए नहीं खाधे ना मोइज ने ना मैं ते ना हिबा ने। असी तीन बंदे जड़े ना असी भुखे बैठे हाँ। मैं शायद चला जावा आप ही मैरा की तरफ। तो मैं बैठा सी नीयत भी मैं रास्ते च कोई चीज़ लैके खाऊंगा बर्गर खाऊंगा या मैं पीस लैके खाऊंगा रास्ते चो। नहीं मैं थोनू नहीं लैके जाना कोई वादा नहीं ऐसा बेटा मैं करना। अच्छा बच्चे नू पता वा कि चाचू जी जदों कह दिंदे ने नहीं लैके जाना तो मतलब नहीं लैके जाना। मैं दसिया मैं मैंने अगे पुछे ना बच्चे का मैसेज आया ना प्याज जी आना तो मैं दस दी पहला। अच्छा। मैं ना कोई चीज़ बनाऊंगी फिर बैठ के जो आ जाऊंगी ना फिर खावे। मैं चलो ठीक है। तो मैंने चाचू मैं तेरे वास्ते बोतल मंगाई। मैं खैर ठहर जा तू बोतल मंगाई मेरे वास्ते नहीं राती वैसे लैके गई सी मैं को गिलास चाचू जी पीनी। मैं नहीं बेटा तुम पी लो। हाँ जी उन्हें मंगवाई है बोतल पैसे जमा करके थोड़ी थोड़ी पीती रात नू फिर ये शोखियां इनिया मारती शीशे ते जाके ले लिपस्टिक लगाओगी ए अपने उर्दू बोलूगी ठीक है ना। ते कल पेंट पाई हो गए ने ते बड़ी फिर मॉडर्न बन गया। नहीं अच्छी है अच्छी गल है। अपने वास्ते थोड़ा आटा हमें फ्राई हो जाए। जाओ अपनी रोटी लेके आओ जल्दी जाओ। मेरी प्याज आलू हरी मिर्च दूसरे अंडे वास्ते मैं ना छिलका उतार। अच्छा वैसे मैं कहना सी ये अग वाला बंदा इतने पता की सीगा इतने नाल ही बंदा जैसे नाल ही इस कमरे च भी सेक जाया करना सी गर्म जाया करना सी ठीक है। लेकिन फिर कल नु जब फिर की छत काज हो जाए ते फिर इस्तेमाल नहीं होनी। हां जी इस्तेमाल तो वाकई नहीं होनी भाभी जी ये भी इशू है। हां चला काज हो जाए सच्ची मेरे जिस्म च इतनी दर्द हो रही है भाभी जी मैं थक गई हां जी सारा दिन सारे कह रहे कि थक गए हैं। मैं थक गया मामू जी ट्रैक्टर से थक जाता ना बंदा। अबू जी उन्होंने काम किए मैं मोए भाभी जी देख लो शरारतां करता बेटा नहीं करो। मैं पहले मैं थोड़े जे मां नूं पानी पिलाया पट्ठे वो सरीं छांगे पट्ठे दी एक पंड वड्डी आ ते आ थोड़े जे कराह लाए शामी थक गया मैं कीता बेटा कोई खास काम नहीं कीता। जाओ ना बेटा अपनी लैके आओ रोटी। थानू एक दफा बेटा मना किया ना खेत अम्मी जी ने बोलो अम्मी जी अंदर बैठे बहाने ना लाओ। चलो जाओ मेरे बच्चा जाओ जाओ जाओ। हाँ जी तो कहना मैंने ना आके आप फ्राई पैन दे खा लो। हाँ हाँ छोटा जो वैसे उच्चा भी है साढ़े मन लगता निका वा वो बड़ा वा पता नहीं वो लेकिन है सुबह सुबह नहीं भाभी टाइम लगना फिर अबू जी ने डांट मेरा प्रोग्राम तो यही है अभी कितने चल जाएंगे। चलो सुबह ना मेरा प्रोग्राम यही है रात नहीं मैं लाइट पे बैठना ना जी भाभी जी थोड़ी देर बैठ के ना तो 2 बजे बंदा इतों निकल जाए जी सोने के टाइम ना बंदा चला जाए। चलो सुबह आके कनक दीदी आएगी ना फिक्र खत्म हो गया कनक का भी मैं वो ये कहना ना भी आगे फिर मैं चलो काम कर लूँ। चलो जी मोइज का अंडा गया पा ना मोइज को कोली प्लेट च पा दियो प्लेट च पा देना हूं और नहीं सोना अंडा खांदा मोइज के मैं रखांदा अंडा ये अपने दादी दादी के गया दादा भी मैं रखांदा। हां जी कोई है दावा अपने पापा ते कुछ दादा जी ते जी काम दादा जी वाले करने होंदे आ
ਆਤੋ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਔਰ ਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਡੇ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦੋ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਹੈਗੇ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਦੋ ਅੰਡੇ? ਅੱਛਾ, ਅੰਡਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੀ ਮੇਰੇ ਖਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ, 30 ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਟ, ਹੁਣ ਘਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹਲੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟੀ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਮੰਮੀ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇਖਣ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨੀ। ਹਿਬਾ ਬੇਟਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਆਲੂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟਣਾ ਵਾ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਈ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਿਬਾ ਖੁਦ ਹਿਬਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਉਦੋਂ, ਮੋਈ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਈ ਦੇ ਪਾਵਾ ਕੋਲੋਂ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਆਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਡਾ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਸਗੋ ਰਸ ਉਹ ਤੁਮ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਜ਼ੀਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੋ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕਰੋ ਖਾ ਲਿਆ ਹੀਰਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਟਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਦ ਰੱਬ ਛਿੱਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਬਸ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪਕਾਏਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਸਾਲੇ ਸਿੱਟੋ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚੱਲ ਬਈ ਸ਼ੇਰਾ ਚੱਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ।
ਇਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿਕਸ ਹੋ ਆਂਡਾ ਸਹੀ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਆਂਡਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਮਾਰੀ ਤਿਆਰ, ਅਭੀ ਹਮ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੇ ਔਰ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਹਮ ਇਸ ਲੋਕ ਕਾ ਯਹੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੁਆ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ।